नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो दिग्गज पेंट सेक्टर के बारे में। तो ये जो दिग्गज दो पेंट सेक्टर है, इस पेंट सेक्टर में आपको फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये दो दोनों स्टॉक है वो इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर भी है। साथ ही साथ इस कंपनी में बहुत सारे पोटेंशियल है, और साथ ही साथ इस कंपनी में 5 दिन में बहुत अच्छा खासा तेजी गिरावट दिखाया। इसके पीछे कुछ रीज़न भी है, उस रीज़न के बारे में बताऊंगा, और आपको इस मौके का फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि आप अभी तक इस शेयर में बाई नहीं किया है तो आपको ज़रूर एक मौका मिल रहा है कम प्राइस में बाई करने के लिए। आप ज़रूर इसमें स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट जाकर इन्वेस्ट कर दीजिए, आप थोड़ा सा स्टडी करिए, पूरा डेटा चेक करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो पूरा डेटा आपको मैं दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ न्यूज़ के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाद में आपको पूरा डेटा इस दोनों कंपनी का दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले ही मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दिग्गज दो कंपनीज है, वो एक है एशियन पेंट, आप सभी जानते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इस कंपनी जबरदस्त कंपनी है। साथ ही साथ दूसरा जो कंपनी है वो है बर्जर पेंट, ये दोनों ही है इंडिया का लार्जेस्ट दो दिग्गज पेंट कंपनी, मतलब दिग्गज दो पेंट सेक्टर के कंपनी। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों का जो डेली बेसिस, मतलब करीबन करीबन 5 दिनों में आपको देखेंगे टोटली डाउन 10 था। इसका जो रीज़न था, इसका जो रीज़न है वो रीज़न है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं, मतलब प्राइस बहुत गेन हो चुके हैं, हाई हो चुके हैं, तो इसीलिए सबसे दिक्कत एशियन पेंट और बाजार पेंट, साथ ही साथ बहुत सारे और भी सेक्टर है उसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो इसके जो मेन आर्टिकल है, इस आर्टिकल के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट दोनों इंडिया का लार्जेस्ट एवं स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज है। देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, दिग्गज वेबसाइट वो खुद ही यहाँ पे बता रहा है, तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए और देखना भी चाहिए। और इसका जो मेन कारण है, वो टोटली डाउन होने का मेन कारण है, वो है क्रूड ऑयल प्राइस, मतलब क्रूड ऑयल का जो प्राइस रेंज हाई हो चुका है, उसी के लिए या इस दोनों सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हैं एशियन पेंट वॉज डाउन 2.36%, और आप 5 दिनों का डाउन देखें, इस स्टॉक यहाँ पे देखिए फॉलन 5.81% जस्ट 4 का, यहाँ पे देखिए कॉन्सेक्यूटिव सेशन, मतलब 4 डेज में, 4 दिनों में, 4 दिन का जो मार्केट था उस मार्केट में करीबन करीबन यहाँ पे 6% डाउन ट्रेंड देखा है एशियन पेंट ने। साथ ही साथ बर्जर पेंट की भी बात करूँ तो बर्जर पेंट भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला 1 दिन में, मतलब 1.22%, मतलब इसका प्राइस रेंज 807 है, और इसका स्टॉक फॉल देखा गया है 4 दिनों में करीबन 5-4% का यहाँ पे डाउन ट्रेंड। ये दोनों डाउन ट्रेंड के पीछे जो मेन रीज़न है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो मेन रीज़न है वो है यहाँ पे देखिए कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब जो ब्रेंड क्रूड ऑयल होता है, मतलब जो कच्चे तेल है, मतलब जो कच्चे तेल होते हैं और जिसको रिफाइन करके अलग अलग तेल बनाया जाता है, तो कच्चे तेल को जो, मतलब जो ब्रेंड क्रूड ऑयल है, उसका नवंबर में उसका प्राइस चेंज हो गया, मतलब सेटलमेंट चेंज हो गया, का प्राइस रेज हो गया, मतलब गेन हो गया। देखिए 36 सेंट्स, मतलब 36 सेंट्स, मतलब करीबन करीबन 0.46% यहाँ पे जाम हुआ है, करीबन 78.45 डॉलर था एक बैरल की कीमत, ठीक है, वो अभी मतलब 78.45 डॉलर हो चुका है। करंट हैज रेजन 7.48%, मतलब 7.48% यहाँ पे इंक्रीज किया गया है क्रूड ऑयल के प्राइस। तो इसी के चलते हुए इस दोनों सेक्टर में जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिला। तो ये जो दोनों सेक्टर है, दोनों जो कंपनीज है, वो जब मुझे तो मेरा सबसे फेवरेट कंपनीज भी है। इसमें जितने आप गिरेंगे, मतलब उतने आप माल उठाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जबरदस्त कंपनी है। आप देख सकते हैं करीबन करीबन यहाँ पे 5 दिनों में 7.5% का डाउन टेन, 5 दिन में 7.5%। देखिए 5 दिन 10 दिन में आप देख के घबराना मत, आप हाई में बाई किया है, मतलब मान के चलिए आप बाई किया है करीबन करीबन यहाँ पे 3,500 के करीबन, मतलब 3,439 के करीबन। तो उसके बाद देखिए अभी चल रहा 3,180। तो आप घबराइए मत, आप पेशेंट के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो आपको लगेगा कि ना कंपनी जबरदस्त है।
तो देखिए कंपनी कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस। कभी भी आपको नहीं लगेगा कि कंपनी बहुत अप्स एंड डाउन मूवमेंट करके जा रहा है। कंपनी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, जिस डाउन अप्स को आपको नहीं पता चलेगा कब डाउन हुआ कब अप हुआ, टोटली आपको अप टेन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप कंपनी में आपको जरूर निवेश करना चाहिए, जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो केमिकल सेक्टर जो एक्चुअली पेंट, जो दोनों जो केमिकल सेक्टर, दिग्गज केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, एक एशियन पेंट है और दूसरा बर्जर पेंट, इसका भी कुछ पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ, उस पैरामीटर को आपको जरूर देखना है। तो एशियन पेंट का जो पैरामीटर से आप देख सकते हैं करीबन करीबन 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं 34, मतलब जबरदस्त रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए करीबन 27% रिटर्न ऑफ इक्विटी। इस दोनों चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ कि 15% के ऊपर होना चाहिए, तभी कंपनी अच्छा खासा माना जाता है। तो दोनों ही बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो कॉम्पिटिटर है, आप देख सकते हैं दोनों कंपनी का नाम यहाँ पे दिया गया, एक है एशियन पेंट और दूसरा है यहाँ पे बर्जर पेंट। इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए, दोनों जबरदस्त कंपनी है। और इस दोनों कंपनी जो है, इस दोनों कंपनी में आपको निवेश करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों जो कंपनी है बहुत जबरदस्त है। मैं ये नहीं कहूँगा और भी जितने सारे पेंट सेक्टर है वो खराब है, ये कंपनी भी खराब नहीं है। फिर भी देखिए मार्केट लीडर जो होते हैं वो लीडर हमेशा रहते हैं, और उसका जो मतलब बिजनेस है, वो बिजनेस मॉड्यूल है, वो जबरदस्त है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है जबरदस्त है, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो हमेशा आपको अप टेन में देखने को मिलेगा। अप टेन में आप देख सकते हैं इस पैरामीटर को, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे जो पैरामीटर है, करीबन धीरे 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 अप टेन देखने को, कभी भी कोई भी सालों में आपको डाउन टेन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी देखिए कितना जबरदस्त आपको रिटर्न दिया है, सीएजीआर परसेंटेज, कोई कंपनी इतना जबरदस्त सीएजीआर परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5-10 सालों में 26% रिटर्न कहाँ पे मिलेगा आपको इतना परसेंटेज, और 5 सालों में 22% का रिटर्न, मतलब 5 सालों में 22% का रिटर्न, मतलब मान के चलिए कितना जबरदस्त रिटर्न। 3 सालों में 35% का रिटर्न, और 1 साल में छोड़ दीजिए 56% रिटर्न। तो 1 साल को छोड़ दीजिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करीबन करीबन मान के चलिए आपको 20% भी रिटर्न मिले तो आपका फंड कितना गुना हो जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए, मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है एशियन पेंट, इसके ऊपर आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। यहाँ पे प्रोमोटर देख सकते हैं करीबन 52%, FI देखिए 20%, DIF 7%, पब्लिक यहाँ पे 19%। तो मोटा मोटी बात करूँ एशियन पेंट नंबर वन कंपनी है, इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर का कंपनी है। और साथ ही साथ दूसरा जो कंपनी है उसके बारे में भी थोड़ा डेटा आपको दिखा दो, तो दूसरा कंपनी जो बर्जर पेंट है वो भी मतलब 5 दिनों में करीबन करीबन 3.484% का यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाया। देखिए इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो आपको लगेगा बहुत शानदार है, शानदार भी होना चाहिए क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, ये दोनों कंपनी मेरे फेवरेट कंपनी भी है, इसके ऊपर मैं अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करके रखा हूँ। आप भी इसके ऊपर स्टडी करिए, इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। लार्जेस्ट कंपनी है और निफ्टी 50 में एशियन पेंट आता है, बर्जर पेंट अभी तक निफ्टी 50 में नहीं आया, 50 फिर भी फ्यूचर में आने वाला है क्योंकि जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, निफ्टी 50 में एक ना एक दिन यहाँ पे जरूर इसको दाखिल आना मिल जाएगा। तो इसका भी परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 78,000 करोड़, और वो भी जबरदस्त है, एशियन पेंट के बाद इसका नंबर आता है। और कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 27 और रिटर्न ऑफ इक्विटी ये भी 23, मतलब देखा जाए एशियन पेंट से थोड़ा सा कम है, फिर भी देखिए जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय मुझे दिख रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी का जो रैंकिंग है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एशियन पेंट के बाद बर्जर पेंट का सेकेंड रैंकिंग है। और भी कुछ डेटा यहाँ पे देखा, तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके बारे में देख लीजिए। कंपनी नीट जो प्रॉफिट किया है आपको, इसको भी आपको अच्छे तरीके से गेन देखने को मिलेगा। 120, 150, 180, 218, 249, 265, 371, 474, 461, उसके बाद 494, 658, 720। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे 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 अप टेन में दिख रहा है, कभी भी आपको डाउन टेन एंड डाउन मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस अच्छा खासा जाम हो रहा है। तो इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा हमेशा के लिए एसआई भी करिए, इन्वेस्ट भी करिए, कुछ भी करिए, मगर इस टाइप स्टॉक में आप बने रहिए। आप इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो आप एक भी शेयर मत बेचिए। आपको जबरदस्त रिटर्न चाहिए तो इस टाइप कंपनी में आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि इसका देखिए परफॉर्मेंस देख लीजिए, सीएजीआर परफॉर्मेंस देख लीजिए कितना जबरदस्त।
10 सालों में कितना, 37% रिटर्न। मुझे तो चौक चौकने का चकरा रहा है, तो 5 सालों में 25% रिटर्न, 3 सालों में 42% रिटर्न। मतलब आप मान लीजिए 3 साल में 42% रिटर्न, कोई भी स्टॉक में इतना परसेंटेज रिटर्न आपको लार्ज कैप कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मिड कैप कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिड कैप में आपको मिल सकता है, फिर भी देखिए मिड कैप में बहुत ही वोलेटिलिटी हो सकते हैं, तो आपको लार्ज कैप कंपनी चूज करना ही है तो आप इस टाइप स्टॉक से जुड़ सकते हैं और इस टाइप स्टॉक से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे बात आपको समझ में आ चुका होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग भी आप देख लीजिए। हाँ ना, यहाँ पे तो 75% यहाँ पे प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है, प्रोमोटर खुद यहाँ पे होल्ड करके रखा है इतना, मतलब कितना पोटेंशियल है आप देख सकते हैं। और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पेंट सेक्टर में बाजार पेंट का नाम आता है। और यहाँ पे FII भी देखिए करीबन 11%, DII भी 4% और पब्लिक भी 9.69% यहाँ पे होल्ड करके रखा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, अच्छा खासा फ्यूचर में भी रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि पेंट सेक्टर बहुत अच्छा खासा काम करते हैं, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा खासा काम करने वाला है। तो आशा करता हूँ पूरे दोनों स्टॉक के बारे में यहाँ पे पूरा डेटा आपको दे चुका हूँ, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे चुका हूँ। इस दोनों कंपनी में आपको SIP और इन्वेस्टमेंट कोई भी एक करना चाहिए। देखिए पैसा आपका हो है तो आप अच्छे खासे जगह पे इन्वेस्ट करिए, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। दोनों कंपनी का मैं रिटर्न ऑफ मतलब रिटर्न आपको दिखा चुका हूँ, किस तरीके से रिटर्न देते हैं और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दोनों स्टॉक में 5 स्टार देने वाला हूँ, दोनों स्टॉक यहाँ पे 5 स्टार लेने वाला है। तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए, दोनों कंपनी के ऊपर आपको जरूर स्टडी करना चाहिए और स्टडी करके इन्वेस्ट करना। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब, मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ इसका मतलब ये नहीं कल जाके आप भी इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये मत करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको मिल चुका होगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।